morning now we read this poem break 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 this is written by alfred lord tennyson and it is written in 1834 written in 1834 on the death of arthur hallam who was arthur hallam arthur hallam is the best friend of tennyson alfred lord tennyson now let's read this poem break 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 on thy cold grey stones o sea

जो भी अपनी इनर फीलिंग्स है इसकी जरिए भी तुम अपने बेब्स को उछाल के इन सारे स्टोन को तोड़ सकते हो मीन्स अपनी सारी फीलिंग्स को जो तुम्हारे अंदर है वो तुम सब कह सकते हो तुम तोड़ सकते हो तुम कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो एक्शन अपनी फीलिंग्स को एक्शन में ला सकते हो एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थाट्स दैट एराइज इन मी लेकिन मैं 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 ऐसा हूँ जो अपनी फीलिंग्स को जो मैं हमारे अंदर एराइज़ है जो थॉट्स हमारे अंदर एराइज़ हैं उनको मैं अपने टंग के थ्रू अटर नहीं कर सकता मींस तुम बहुत अच्छे हो कि तुम अपनी फीलिंग्स को अपनी फ्रस्टेशन को अपने गुस्से को अपने थॉट्स को कोल्ड ग्रे स्टोन्स पे बार बार अटैक करके तोड़ सकते हो लेकिन मेरे अंदर जो थॉट्स हैं और वो थॉट्स किस तरीके के हैं जो भी उसके फ्रेंड्स की डेथ पे उसके अंदर एक थॉट्स आया है थॉट्स हैं वो उन सारे थॉट्स को अपने टंग के थ्रू अटर नहीं कर सकता ओ विल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही साउट्स विद ही सिस्टर्स एट प्ले ओ विल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे Further uh, poet describes that every person who is present here, जो भी यहाँ pe present हैं वो सब कुछ कह सकते हैं But only writer, only poet नहीं कह सकता कह रहा है Oh will for the फिशर boy, बॉय ये दिन जो है वो फिशर मैंस के बॉय लड़के के लिए भी अच्छा है क्यों अच्छा है क्योंकि वो साउट वो चिल्ला सकता है अपनी बहन के साथ खेल सकता है अपने सारे एनर्जेटिक थाट्स को अप, अपनी फीलिंग्स को अपने जॉय को अपनी स्टेसी को अपनी सौरों को, को हर तरीके से वो बाहर अटर कर सकता है निकाल सकता है साउट्स कर सकता है ओ वेल फॉर द सेलर लेड और ये सेलर लेड के लिए लेड मीन्स लड़का सेलर के लड़के के लिए भी ये दिन अच्छे हैं क्यों अच्छे हैं क्योंकि दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन बे वो जो है नदी के किनारे मतलब खाड़ी खाड़ी में जाते हुए अपनी बोर्ड्स में वो बहुत सारी सांग वो सांग को गा सकता है वो सिंगिंग भी कर सकता है सिंगिंग के थ्रू भी वो कुछ ना कुछ अपने आप की फीलिंग्स को बाहर एक्सप्रेस कर सकता है एंड द स्टेटली सिप्स गो ऑन टू देयर हैवन अंडर द हिल बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वेनिस्ट हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल आगे पोइट कहते हैं कहते हैं कि जो स्टेटली स्टेटली मतलब ह्यूज जो ह्यूज सिप है वो गो ऑन है गो ऑन मतलब कंटिन्यू है जो स्टेटली सिप्स हैं वो अपने हेवन की तरफ आती हैं ठीक है थीके? हिल की तरफ मतलब वो कंटिन्यू है आती हैं जाती हैं हेवन मतलब बंदरगाह बंदरगाह की तरफ वो आती है दूसरे किनारे लगती हैं और फिर वो बंदरगाह की तरफ आती हैं उनकी जो प्रोसेस है आने और जाने का वो कंटिन्यू है बट ओ फॉर मीन्स वो एक बार इस एक साइड से निकल के दूसरे साइड पहुंचती है और फिर अपने पोर्ट पे अपने हेवन में वापस आ जाती हैं बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वेनिस्ड हैंड एंड द साउंडस ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल लेकिन एक ऐसा टच एक ऐसा वेनिस्ड टच जो एक बार मुझसे छूट गया तो दोबारा वापस नहीं मिला बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वेनिस्ड हैंड वो वेनिस्ड हैंड वाला जो टच था एक बार मुझसे छोटा तो दोबारा नहीं मिला एंड द साउंड्स ऑफ अ वॉइस दैट इज़ स्टिल और जो साउंड्स ऑफ अ वॉइस है वो हमेशा के लिए शांत हो गई मीन्स यहाँ पे इन दोनों लाइन में वो वेनिस्ड हैंड और वॉइस दैट इज़ स्टिल अपनी फ्रेंड्स के बारे में बता रहा है आर्थर हेलम के बारे में बता रहा है कि जो उसका हाथ था जो उसका साथ था मुझसे वो अब मुझे दोबारा नहीं मिल सकता जो उसकी साउंड जो वॉइस थी वो हमेशा के लिए शांत हो गई है और उसकी वॉइस की साउंड हम मैं कभी नहीं सुन सकता ओके नेक्स्ट लास्ट ब्रेक 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 एट द फूट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी फिर वो वही सी को एड्रेस uh, करते हुए कहता है कि ओ सी तुम अपनी चट्टानों के तलहटी में बहते रहो ठीक है फूट ऑफ क्रैक्स मतलब अपनी तल तलहटी में बहते रहो और इस तरीके से तोड़ते रहो चट्टानों को तोड़ते रहो बहते रहो बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज लेकिन वो सुनहरे दिन वो सुनहरे दिन जो एक बार मेरे साथ हैपेंड हो चुके हैं पास आउट हो चुके हैं वो सारे क्या हो चुके हैं अब डेड हो चुके हैं कभी भी हमें वो दिन वो ग्रेस स्टैंडर्ड डे हमें कभी नहीं मिलेगा जिस जिस दिन दिन में जिसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिताया करता था दिल नेवर कम बैक टू मी अब वो दोबारा वापस नहीं आएंगे मीन्स तुम चट्टानों को दोबारा तोड़ सकते हो तुम उसकी तरह में बह सकते हो लेकिन मैं दोबारा उस उन दिन को जिसे उसने अपने फ्रेंड्स के साथ बिताया उसे नहीं पा सकता है अब वो दोबारा उसको कभी भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं आई होप यू अंडरस्टैंड अ वेरी वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू सो मच